अभी फिलहाल गैस था तो गैस फिल करवाना था बाटले में, तो अभी चलते हैं फिलहाल इसको लेके देखते हैं। ये है तौफीक आलम का घर, बन रहा है अभी। यहाँ पे हमें बाटला एक्सचेंज करना है। नॉक नॉक तेरा बाप आया। बाटला बाटला, ये देखो गाइस, ये मुझे लग रहा है मुंबई मुंबई से आ रहे हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं, सीन्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर कोई वीडियो देख भी रहा है, कोई बाहर से आ रहा है मुंबई दिल्ली या कहीं से भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को क्वारंटीन करो, घर में रहो 14-15 दिन जो भी बोले हैं, तो घर में रहो। क्योंकि अगर एक भी बंदा पॉजिटिव आ गया ना, तो समझ जाओ कि पूरा बर्बाद हो जाएगा, यहाँ का पूरा गांव साफ हो जाएगा। क्योंकि हर एक आदमी से मतलब मिलते जुलते रहता है, गांव के आदमी को जानते ही हो, तो मतलब कोई भी एक बंदा आ गया तो वो सबसे मिलेगा, घर वालों से मिलेगा, घर वाले इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग रखो और अपने आप को सेफ रखो। और अभी लेके चलते गैस, उधर गड्डी है हमारी, चलो। हाँ तो लौंडो आ गए। अभी फिलहाल लॉकडाउन है, सभी लोगों को पता है, कहीं भी हेयर कट नहीं हो पा रहा है। सब लोग अभी सोच रहे हैं कि अपनी बीयर्ड दाढ़ी वगैरह कहाँ से बनवाएं, बाल कहाँ से बनवाएं, तो हमने जुगाड़ लगा लिया है। तो फिलहाल मैं एक लौंडे को बुला के लेके आया हूँ घर पे अपने, जो कि फ्रेंड ही है। तो वो सैलून में रहता था पहले, हेयर कट वगैरह करता था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठे, बाल कटने जा रहा है हमारा। ओके, सो फिलहाल अभी मैं अपना बाल कटवा चुका हूँ, देख सकते हो कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको भी हेयर कट करवाना है तो आप भी जुगाड़ लगा के घर पे अपने बुला सकते हो, कोई भी अगर सैलून में पहले काम करता होगा, आपका दोस्त, अगल बगल के रिश्तेदार, कुछ भी घर पे बुला के आप लोग भी कटवा लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में कोई मिलने उलने वाला नहीं है। सो बस यही था। माहौल गांव का क्या हो गया है? लोग भड़के हुए हैं, डरावना सा माहौल हो गया है गांव में। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना जैसी कोई बात नहीं। फिलहाल रास्ते में आते हुए सब लोग चेक करवा के आए हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या पता रास्ते में ही मिल गया हो चेक करवाने के बाद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो एक जा रहे हैं, फोटो लो, फोटो लो फटाक से। देखो एक, अरे रो चाचा, अरे हया मर दे, रहमत अली इधर है, इधर आओ। रोना रोना वाज। तो और क्या हो रहा है बताओ, गांव में? गांव में बहुत लोग डरे हुए हैं, कुछ तो कम डर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा डरना तो पड़ेगा ही, कि ये बीमारी ऐसी है भाई, खतरनाक बीमारी है। और बस यही सब चल रहा है गांव में, दो चार लोग आए हुए हैं, तो वो सब फिलहाल चेकअप करवा के आए हैं, लेकिन फिर भी एक वो रहता है कि कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए फिर भी। सो राइट नाउ आज मैं लेके आया था इसमें पानी पूरी, यानी कि गोलगप्पे। तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें से एक पूड़ी निकालूंगा, तो ये एक पूड़ी जाएगी टेस्टिंग के लिए कढ़ाई के अंदर तेल में, कि ये फूलती है कि नहीं, तो देखते हैं, होप कि मिशन सक्सेसफुल हो जाए। सो ये रेडीमेड है, निकल रहा है, हो गया, फूला फूला फूला, बन गया, मिशन सक्सेसफुल। तरबूज कट रहा है और इधर बन चुका है हमारा शरबत। सो राइट नाउ अफ्तारी का टाइम हो चुका है, देखो शरबत निकाला जा रहा और ये लाइट पता नहीं क्यों जल रहा है। ओके, सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।